महेश्वर में हजरत मदरासी बाबा ग्राउंड पर कव्वाली का शानदार मुकाबला हुआ, जिसमें दिल्ली से तशरीफ लाए रईस मियां कव्वाल पार्टी और फहीम गुलाब वारिस कव्वाल पार्टी दिल्ली, दोनों कव्वाल पार्टी ने एक से बढ़कर एक कलाम पेश किए। सभी श्रोताओं ने कव्वाल का बहुत आनंद उठाया। फहीम गुलाब वारिस ने लाखों में हंसी है मेरा सनम कोई तुमसा नहीं, कोई तुमसा नहीं है, और पांच नारे पंजेतन के, एक नारा हैदरी या अली मोला अली अली से पूरी कव्वाली के समा को बांधे रखा। श्रोता भी झूमते नजर आए। दादा मदार कमेटी द्वारा रात भर पानी और शरबत का इंतजाम किया गया। वहीं कव्वाली में आए सभी विशेष अतिथियों का कौमी एकता उर्स कमेटी के सदर वासल अंसारी ने मंच पर स्मृति चिन्ह पुष्पमाला व साफा बांधकर स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि कमेटी सदस्य और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। कौन है और यूं मंदिरों मस्जिद के मसाइल में ना उलझो, घर घर को जाके देखो परेशान कौन है। हर कर्म अपना करे, हर कर्म अपना करे, हर कर्म अपना करे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान दे। नगर पिता महेश्वर की नगरी के नगर पिता माशाल्लाह गजराज यादव जी कमेटी महेश्वर के द्वारा बनाया गया। यहाँ पर सभी अकीदतमंदों के द्वारा 27 अप्रैल 2023 से 1 मई 2023 तक का प्रोग्राम रखा गया था। इसमें सभी हजरात ने शिरकत की। 30 तारीख को कव्वाली का प्रोग्राम, इस कव्वाली के प्रोग्राम में दिल्ली से आए हुए कव्वाल फहीम गुलाम वारिस और रईस मियां ने रात भर कव्वाली का मजा किया और सभी लोगों ने लुत्फ उठाया। और 1 मई सुबह महफिल रंग का यहाँ एहतमाम किया गया, इसमें रईस मियां द्वारा महफिल रंग पढ़ा गया और महफिल रंग की महफिल भी कामयाब रही। और इस कामयाब उर्स की हम सबको बधाई देते हैं और मुबारकबाद देते हैं। और सरकार के मकबरे का तामीरी काम भी चल रहा है, गुम्बद का भी तामीरी काम चल रहा है। हम सब लोगों से अजीजाना गुजारिश करेंगे इस कार्य खैर में शिरकत करें और सवाब दारिंदा हासिल करें। उर्स में शासन प्रशासन का कैसा सहयोग रहा? उर्स में शासन प्रशासन का भी सहयोग अच्छा से रहा, बिजली विभाग का भी अच्छे से सहयोग रहा, सभी ने मिलजुल के इस काम को अंजाम दिया। हम सबके आभारी हैं, कौमी एकता उर्स कमेटी इन सबका आभार करती है।
क्या नाम लिखते हो आप? मोहम्मद फिरोज अंसारी। महेश्वर के, मंडलेश्वर के नगर पंचायत मेरा गहना दे रहे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष हमारा भाई विशु, सभी पार्षदगण, सभी आप बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े नेतागण बैठे हैं, हाजी भी हैं, सदर भी हैं, और सब आप मेरे से माननीय बड़े बुजुर्ग लोग हैं, सभी चाची आपा भाभियाँ बैठी हुई हैं, और बड़े अच्छे माहौल में कव्वाली आप भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रही थी। जबरन वाजल मैंने मंच सजा दिया हम लोगों से, तो कव्वाल साहबान आए हैं दिल्ली से, दिल्ली हमारा आज एक देश है, वहाँ से दुनिया हमारी चलती है हिंदुस्तान की। आप सबका मैं इस्तेमाल करती हूँ, मेरे क्षेत्र में आप लोग आए हैं, मेरी तरह से आपको मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। और बाबा की क्या कहें, मद्रासी बाबा की, मैं वो खुश नसीब हूँ जब राजनीति में मैंने कदम रखे, हुआ तो पापा का टिकट कटा और मेरे को मिला, लेकिन पहले चुनाव में बाबा जिंदा थे तो मेरे सर पे उन्होंने हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दिया, मैं वो खुश नसीब हूँ। लगातार चलते आ रही हूँ सब आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से, और बाकी क्या कहूँ, मेरे अपने लोग हैं सब, अपनों के बीच में आई हूँ, बहुत ज़्यादा कहना सुनना है नहीं, बस बाबा आशीर्वाद देते जा रहे हैं, आप सब लोग आशीर्वाद देते जा रहे हैं, तो हम चलते जा रहे हैं और सेवा करते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया खूबसूरत वाली आप लोगों ने गाई, कौमी एकता के बारे में जो आज की आवश्यकता है, जो माहौल है उसको आप लोग बहुत अच्छे से, चाहे हमारे हिंदू धर्म के संत महात्मा हो, चाहे मुस्लिम धर्म के हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म हर मजहब कहता है भाईचारे की बात, हर धर्म कहता है, ये नहीं कहता कि मैं अच्छा तू बुरा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।